नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सर्दियों के टिप्स जो बनाएंगे स्किन को कोमल और खूबसूरत, इसके बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस मौसम में शुष्क हवाओं के चलने से हमारी त्वचा रूखी और फटने लगती है, इसलिए ठंड के मौसम में सेहत के साथ हमारी स्किन को भी कुछ खास देखभाल की ज़रूरत होती है। सर्दी में लोग ठंड से बचने के लिए तो कई उपाय करते हैं, लेकिन अपनी स्किन पर ध्यान नहीं देते, जिससे त्वचा की कोमलता पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जो सर्दी में आपकी स्किन को कोमल और खूबसूरत बनाने में मदद करेंगे। पहला उपाय है, सर्दियों में त्वचा को कोमल बनाए रखने के लिए बादाम के तेल का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। बेहतर फ़ायदे के लिए आप चाहें तो रात के वक्त तेल लगा कर सो जाएँ। सुबह उठने पर आप पाएंगे कि आपकी त्वचा का मॉइस्चराइजर अब भी बरकरार है। दूसरा उपाय, साबुन का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि सरसों के उपटन का इस्तेमाल करें। तीसरा उपाय है, बाज़ार में बिकने वाला स्क्रब के स्थान पर चीनी के स्क्रब का इस्तेमाल करें। इससे डेड स्किन साफ हो ही जाएगी, साथ ही आपके चेहरे का मॉइस्चराइजर भी बना रहेगा। चौथा उपाय है, फटे होंठ और स्किन को कोमल बनाने के लिए रोजाना सोने से पहले मलाई में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर मसाज करें। पाँचवा है, त्वचा को नरम और मुलायम बनाने के लिए मूंग की दाल का पेस्ट में दूध मिलाकर हफ्ते में दो बार नहाने से पहले लगाएं। छठा है, रोजाना नारियल के तेल से मालिश करने से भी त्वचा में कोमलता और निखार आता है। सातवां है, ग्लिसरीन में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर रोजाना लगाने से त्वचा कोमल बनने के साथ निखरती भी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल घरेलू उपाय को सब्सक्राइब करना ना भूलें।